भारतीय जनता पार्टी के हमारे सबके नेता और हिंदुस्तान की संसद में महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता का जो असंतोष है, जो लोकसभा में प्रभावी रूप से रखने का ऐतिहासिक काम जिस हमारे नेता ने किया है, जिसके हमको अभिमान है, ऐसी आदरणीय सुषमा जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा और अपने सांसदीय क्षेत्र में कितना अच्छा कार्य हो सकता है वो कार्य करके जिसने दिखाया। और मैं खुद उनके सांसदीय क्षेत्र में गया था, पिछले समय मेरे साथ सेक्रेटरी के रूप में भी बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। ऐसी लोकप्रिय नेता सांसद सरोज जी पांडे जिस पार्टी को, जिसके नींव पर हम सब लोग खड़े हैं, आज पार्टी को बहुत अच्छे दिन है, पर इस पार्टी के बहुत कठिन समय में, प्रतिकूल परिस्थिति में, जिन कार्यकर्ताओं के परिश्रम, मेहनत, बलिदान के कारण आज हम सबको ये दिन देखने के लिए मिलता है, ऐसी पुरानी पीढ़ी की अपना जीवन भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह समर्पित करने वाली माननीय मृदुला जी, दिल्ली प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष विजय गोयल जी, समन्वयक माननीय महेंद्र पांडे जी, उपस्थित सभी सांसद, ज्येष्ठ नेतागण और महिला मोर्चा की सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले मैं सरोज जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज यहां पूरे भारत का दर्शन हो रहा है। हम लोग एक नारा विद्यार्थी परिषद में युवा होते तो देते थे, और वो आज देने की भी आवश्यकता है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। हमारी भाषा अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, पर हम एक देश के नागरिक हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के विचारों का सबसे मजबूत आत्मा है, और आज उसका चित्र इस सभागृह में देखने के लिए मिल रहा है। आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में अडवाणी जी और हमारे सभी नेता और देश के लोग भी समझते हैं कि बाकी पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है। कोई पार्टी पर मालकिन बनी है, कोई मालक बने हैं, कोई माँ बेटों की पार्टी है, कोई पिता पुत्र की पार्टी है, तो कोई वन मैन आर्मी जैसे प्रोप्राइटरी दुकान जैसी पार्टियां चल रही है। पर भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और आप सबकी पार्टी है जिस पार्टी के आप कार्यकर्ता हैं, और कार्यकर्ताओं के आधार पर पार्टी चलती है। मैं बहुत बार कह चुका हूं कि प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सांसद, पूर्व सांसद बन सकते हैं, विधायक, पूर्व विधायक बन सकते हैं, पर कार्यकर्ता कभी पूर्व कार्यकर्ता नहीं बन सकता। और आप सब इस पार्टी का सबसे मजबूत अगर कोई व्यक्ति है तो वो कार्यकर्ता है। और पूरे देश से, सभी जिलों से, सभी प्रांतों से इस पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता के रूप में आप सबकी पहचान है, और आज आप दिल्ली में आए। मैं सरोज जी का अभिनंदन करूंगा कि इस कार्यक्रम से एक मिशन आपको दिया जाने वाला है 2014। सुषमा जी मार्गदर्शन करेगी, और उस मिशन में भारतीय जनता पार्टी को यशस्वी करना, इसका अर्थ यही है कि दिल्ली के लाल किले पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब झंडा फहराएगा तो ही इस देश का भविष्य और तकदीर बदलने की शुरुआत होगी। आज हमारे देश की हालत बहुत खस्ता बनी हुई है। 1947 में इस देश को जब स्वाधीनता मिली तो $1 की कीमत 1 रुपया थी, और आज हमारे यहां $1 की कीमत 60 रुपए हो गई है। महंगाई ने
सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हमारे फूड इन्फ्लेशन में 18% तक चला गया, गरीब आदमी भूखा मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ रही है, महिलाओं पर अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, हमारी सीमाएं असुरक्षित है और देश में आतंकवाद और नक्सलवादी हावी हो रहे हैं। मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि ये बताइए कि शासन किसका आएगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, मंत्री कौन बनेंगे। तब मैंने उनको ये जवाब दिया कि इस देश में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इससे भी महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किस पार्टी का शासन आएगा, इससे भी महत्वपूर्ण सवाल है कि ये देश बचेगा या नहीं बचेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना केवल सत्ता हासिल करने के लिए नहीं हुई है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे नेहरू जी के मंत्रिमंडल में, और रिजाइन करने के बाद उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कुशाभाऊ ठाकरे, नानाजी देशमुख, सुंदर सिंह भंडारी, ऐसे हजारों नेता है कि जिन्होंने कभी मंत्री पद जिनको मिला नहीं, तो उन्होंने इस देश के लिए, इस देश के सार्वभौमत्व के लिए, इस देश के भविष्य को बनाने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की विरासत है। केवल टिकटों के लिए घूमने वाले और विधायक और सांसद और मंत्री बनने की इच्छा रखने वाले लोगों की टोली, यह भारतीय जनता पार्टी की परिभाषा कल भी नहीं थी, आज भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगी। और इसलिए आज इस देश की हालत, जिसकी चिंता आज सबको करना है, चाइना की मिलिट्री हमारे देश में घुस जाती है पर हमारे प्रधानमंत्री और संरक्षण मंत्री कुछ बोल नहीं पाते, पाकिस्तान की सीमाओं से आतंकवादी घुस रहे हैं, हमारे पुलिस अधिकारी मिलिट्री अधिकारियों की हत्या कर रहे हैं पर कश्मीर में हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, चाइना की सीमा असुरक्षित है, कश्मीर की सीमा असुरक्षित है, और आसाम में तो क्या हुआ आपने देखा है कि बांग्लादेशी घुस गए। ऐसी स्थिति रहेगी तो 10 साल में आसाम का अगला मुख्यमंत्री बांग्लादेशी होगा, हिंदुस्तानी नहीं होगा। ये नॉर्थ ईस्ट में आसाम की हालत बनी हुई है। एक नहीं अनेक घटनाएं हुई है। हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है। जो सरकार हमारे बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं रख सकती, वो सरकार क्या शासन कर सकती है। और इसके अनेक उदाहरण है जिसके ऊपर बाकी वक्ता जरूर बोलेंगे। कौन सी चीज अच्छी देश में हो रही है? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को याद करिए, सुषमा जी मंत्री थी, अडवाणी जी उप प्रधानमंत्री थे, तब उस सरकार को याद करिए, तब रोजमर्रा चीजों के भाव कितने थे, तब हमारे विकास का दर क्या था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के कार्यकाल में हमारा विकास का दर 8.5% तक पहुंचा, और कांग्रेस की शासन कार्यकाल में हमारे विकास का दर आधे पर आया, 4.5% पर कांग्रेसियों ने लाकर रखा है। सोनिया जी कहती थी कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, ये कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ नहीं है, गरीबों का जेब काटने का काम कर रहा है, गरीबों को बर्बाद करने का काम कर रहा है, ये कांग्रेस का हाथ है। देश की जनता को कहा गया था कि 100 दिन में हम महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम हुई नहीं, महंगाई आसमान पर जा रही है। मुझे बताइए कि आम आदमी कैसे जिएगा। हमने तय किया था कि राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है और सुशासन विकास के द्वारा हम देश का पुनर्निर्माण करेंगे। लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस परिस्थिति को बदल सकती है, क्या गरीबी दूर हो सकती है, क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल सकते हैं, क्या महंगाई कम हो सकती है, क्या हमारी अंतर्गत और बाह्य सुरक्षा, जिसका कठोरता से रक्षण करके हमारी सीमाओं को सुरक्षित करके आतंकवाद को कुचला जा सकता है। जब ये सवाल लोग पूछते तो मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप सबके विश्वास के साथ हमारे नेता कहते हैं, हां इस देश में हम महंगाई कम कर सकते हैं,
इस देश में बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं, इस देश में किसानों के आत्महत्या हम रोकेंगे और मां बहनत की इज्जत की सुरक्षा करेंगे। जो टेढ़ी नजर से देखेगा उसकी आंख निकालने की ताकत हमारे पास है, हम उसको सहन नहीं करेंगे। हमारी सीमाओं पर कई देश में गलत मार्ग से घुसना चाहेगा तो ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत हमारे सैनिकों में है और भारतीय जनता पार्टी ने कारगिल में इसका परिचय दिया है। और इसलिए लोग जब सवाल पूछते हैं कि क्या यह परिस्थिति बदल सकती है, तो आपको आपके गांव में, आपके जिलों में आम आदमियों के पास जाकर यह आत्मविश्वास को जगाना होगा कि हां, भारतीय जनता पार्टी ये चित्र को बदल सकती है। अगर हिंदुस्तान की तस्वीर, हिंदुस्तान का भविष्य अगर कोई बदल सकती है तो उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है, हमें उसको बदल सकते हैं। आप पूछेंगे इसका आधार क्या है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो शासन किया उसके इकोनॉमिक पैरामीटर्स लोगों के सामने रखिए। हमारा जीडीपी 8.5%, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कितना था, पर कैपिटा इनकम कितना था, जीडीपी एग्रीकल्चर का हमारा इनकम कितना था, हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स कितना था, सब इकोनॉमिक पैरामीटर्स अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के आज रखिए और इस सरकार के रखिए, तुलना करिए, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो तो बात छोड़ दो, आज देश में 2.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है और 4.5% विकास का दर है, पर ये इतनी बुरी स्थिति में ये इतना भी दर क्यों है? इसका कारण हमारे मध्य प्रदेश की सरकार ने, शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मध्य प्रदेश में कृषि विकास का दर 18.90% तक लेकर गए। 18.90% देश का 2.5% कांग्रेस के नेतृत्व में और भाजपा में शिवराज जी के नेतृत्व में 18.90 विकास का दर देश में 4.5% है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात का विकास का दर 11.50 है, मध्य प्रदेश का दर 11.60 है और कांग्रेस के केंद्र सरकार का विकास का दर 2.4% है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि ऐसी 10 बातें मैं आपको बता सकता हूं। हम महंगाई को कम करेंगे, जो सुशासन, राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, उसी के साथ हमने तय किया कि हम सुशासन के द्वारा गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी से इस देश को मुक्त करेंगे। गुड गवर्नेंस और सुशासन, गुड इकोनॉमिक गवर्नेंस विद द हेल्प ऑफ ई गवर्नेंस, हमारी सरकार ने यह भी काम करके दिखाया। और हमारी सरकार मध्य प्रदेश की हो, गुजरात की हो, छत्तीसगढ़ की हो, आज हमारी सरकार ने गरीबों के लिए, वनवासी बंधुओं के लिए, दलित अल्पसंख्यक समाजों के लिए, बेरोजगारों के लिए जो काम करके दिखाया उसके लिए तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपको पता होगा कि हमारे मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ की सरकार ने कितना अच्छा काम किया है, अनेक योजनाएं हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस देश को सुशासन ला सकती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमारे सामने उद्दिष्ट रखा है जो सामाजिक आर्थिक चिंतन अंत्योदय के रूप में हमारे सामने है कि हमारे समाज का जो आखिरी व्यक्ति है, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, उस दरिद्री नारायण को हम भगवान माने और उसकी हम निरंतर सेवा करते रहे और जिस दिन उस व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा उसी दिन हमारा कार्य पूरा होगा। ये अंत्योदय का विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको दिया है और उस विचारों के अनुरूप हमारी सरकारें काम कर रही है। कांग्रेस ने देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है, जो वादे किए कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम करने के बजाय 3 गुना बढ़ा के रखी है। और बहनों और भाइयों, इस देश को बचाने का काम आपको करना है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी जब अच्छे कार्य पर, सुशासन के आधार पर,
गांव गरीब मजदूर किसान के कल्याण करने की बातें कहने के बाद जब काम नहीं कर सकी तो इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी अगर कोई है तो उसका नाम है डर, भय। कांग्रेस पार्टी इस देश के अल्पसंख्यक समाज के मन में यह डर पैदा करना चाहती है, यह भय निर्माण करना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो इस देश में मुसलमानों का भविष्य बहुत अंधेरे में है, अल्पसंख्यकों का जीवन जो है वह सुरक्षित है, और जातिवाद की और सांप्रदायिकता का जहर घोलकर अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज को गलत दिशा देकर वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए इसका उपयोग करना चाहती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के नाते जो हमको पढ़ने के लिए मिला है, जो संस्कार हमको मिले हैं, हम ये कहते आ रहे हैं और हमने हमारे जीवन में उसके अनुसार व्यवहार किया है कि कोई भी व्यक्ति उसके जात से बड़ा नहीं होता, उसके धर्म से बड़ा नहीं होता, उसकी भाषा से बड़ा नहीं होता, उससे सेक्स से कौन सा इससे बड़ा नहीं होता, कोई भी व्यक्ति उसकी गुणवत्ता के साथ बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता हम पूरी नष्ट करेंगे और भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन कार्यकाल में और हमारे किसी भी राज्य सरकार के कार्यकाल में हमने जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर किसी के साथ अन्याय नहीं किया, न हम किसी का तुष्टिकरण करेंगे, न किसी के साथ अन्याय करेंगे, सबके साथ समान न्याय होगा और सबको समान मौका मिलेगा, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। और इसलिए कांग्रेस के इस कुप्रचार का आपको जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवादियों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहती है, जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर सबके साथ समान न्याय होगा, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है। पर इसमें हम कब यशस्वी हो गए? जो आपका मिशन है मैंने पढ़ा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि नारे कितने भी दिए जाएंगे, भाषण कितने भी अच्छे होंगे, उससे काम नहीं होगा। आपके मिशन में लिखा है कि हर मोर्चा की हर इकाई की बैठक होनी चाहिए और हर बूथ पर दो महिलाएं उनके नाम तय होने चाहिए, हर पोलिंग सेंटर पर दो महिलाएं काम करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का पूर्व अध्यक्ष हूं, 3 दिन पहले नागपुर के भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बूथ का पोलिंग सेंटर का प्रमुख मुझे बनाया और मैंने अब मेरे पोलिंग सेंटर की मीटिंग बुलाई है। ये हवा में चलने वाले नेता नहीं चलेंगे, जमीन पर काम करना होगा, कार्यकर्ताओं को मिलकर घर घर जाकर होना, दिल को दिल जोड़ना होगा और अपनी बात प्रभावी रूप से कहनी होगी, तब जो लोग हमारे नहीं है हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर हम उनके पास जाएंगे नहीं, हमारा विचार, हमारा कार्यक्रम, हमने सही किया हुआ कार्य, हमारे नेताओं ने किया हुआ कार्य अगर प्रभावी रूप से जनता के पास नहीं जाएगा तो लोग फिर गलतफहमी के शिकार बनेंगे और हमको वोट नहीं देंगे तो देश का नुकसान होगा। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन, ये हमारे पीछे लगा हुआ है। लोग हमको विलन के रूप में दिखाना चाहते हैं, एक सेक्शन ऑफ मीडिया हमारे पीछे दुष्प्रचार कर रही है, शायद कुछ लोगों से सुपारी लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी को जातिवादी सांप्रदायिक ठप्पे लगा रही है। हम ऐसे नहीं है, हमारी सच्चाई यह है कि हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, किसी के साथ अत्याचार नहीं किया, हम जात पंथ धर्म भाषा बोलने वाले सबको समान अधिकार देंगे और विकास का समान मौका देंगे, यही हमारे विचारों का आत्मा है। और इसलिए आपको प्रभावी रूप से लोगों में जाना होगा, जो आज हमारे नहीं है उनके मन में अगर गलत फहमी होगी तो दूर करनी होगी, घर घर जाना होगा, हर होटल के पास जाना होगा, महिला मोर्चा का संगठन सशक्त बनाना होगा, इंडस्ट्री से लेकर एग्रीकल्चर तक सभी सवालों का अध्ययन करना होगा, प्रभावी रूप से अपने विचार रखने होंगे। और आपका जैसे सुषमा जी जिस प्रकार से लोकसभा में अपने आत्मविश्वास के साथ देश की समस्या पर बात करती है, अपना विचार रखती है, उसी प्रकार से एक एक महिला अपने बूथ पर उतने ही प्रभावी रूप से अपनी बात रख सकेगी,
तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत बहुत बढ़ेगी। एक बात आप मुझे पूछोगे कि ये कैसे संभव है, तो एक बात पक्की है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम अधिक उत्तम सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। ये मत समझिए कि जिस विषय में अगर अपने को ज्ञान नहीं होगा तो सब मिलता है। मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, मुझे इंजीनियरिंग का कुछ नहीं समझता, और मैं मैनेजमेंट का ग्रेजुएट हूं, लॉ मैंने किया है, पर इस देश में सबसे ज्यादा कॉन्क्रीट का काम मेरे नाम पर जमा है जबकि मैं इंजीनियर नहीं हूं। और इसलिए आप ऐसा मत समझिए, आप में से एक एक महिला कार्यकर्ता सुषमा जैसा बोल सकती है, बात कर सकती है, विचार रख सकती है, पॉजिटिव आत्मविश्वास, हमारे विचारों के प्रति कटिबद्धता और देश और समाज के प्रति समर्पण और गरीबों के प्रति संवेदनशीलता, यही भारतीय जनता पार्टी का एक कैरेक्टर है, एक चरित्र है। आप बड़ी संख्या में यहां आई है, मिशन 2014 आपको मिलने वाला है। मिशन का अर्थ यही होता है कि जब तक मिशन पूरा नहीं होता तब तक कोई सुख की नींद नहीं लेता। इस मिशन को लेकर दिल्ली से आपके गांव में जाकर आपके संकल्प को दोहराकर आने वाले चुनाव में, और मैं आपको प्रार्थना करता हूं, मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आता या नहीं आता, कौन प्रधानमंत्री होता कौन मंत्री होता यह महत्वपूर्ण नहीं है। आज देश दिवाला पिटने की स्थिति में है, महीने भर के अंदर देश का सोना गिरवी रखना पड़ेगा, ऐसी देश की आर्थिक हालत है। आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, मां बहनों के साथ अत्याचार बढ़ रहा है, और कांग्रेसी देश को लूट रहे हैं। वो अनूप जलोटा का गाना था, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। तो सोनिया और मनमोहन सिंह जी का गाना है कि बस अब तो लक्ष्मी दर्शन की लूट मची है, लूट सके तो लूट, जितना जमता उतना तू देश को लूट। यही चल रहा है, 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, कोल घोटाला, सब सुषमा जी बोलेगी, समय की कमी है। भ्रष्टाचार से देश को लूटने वाले इस कांग्रेस वालों को बचाना है, देश को बचाना है, और देश को बचाने की ताकत केवल भारतीय जनता पार्टी में है। ये परिवर्तन का नया इतिहास लिखने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। एक संघर्ष का बिगुल बजाकर हमारी अध्यक्षा, जिसने विशेष रूप से अपने भाषण में बहुत अच्छे तरीके से कहा है, सरोज जी ने आपको ये मिशन दिया है, इस मिशन को लेकर अपने गांव में जाकर ये परिवर्तन करने का संकल्प करके इस मिशन के साथ पूरी ताकत के साथ आप जुट जाइए, परिवर्तन करिए, और फिर दिल्ली आइए। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का नेता लाल किले पर तिरंगा फहराएगा तब उस दिन जरूर दिल्ली आइए, वो दिन अब दूर नहीं है, जीत निश्चित है, और आपको संकल्प करके जाना है। और इस जीत के सही में कोई जीत ला सकते हैं तो आप जैसे कार्यकर्ता ला सकते हैं, उसी संकल्प को लेकर आप जाइए, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धन्यवाद।